सिंह साहब आए हैं खासकर बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये हैदराबाद के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये आए हैं तो मेरे लिए बहुत ग्रेट बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो आगे के आपके इनिशिएटिव जरा? नहीं सर, मैंने इंडस्ट्री में अभी मुझे 52 इयर्स हो गए, बहुत काम कर लिया है और अभी सेलिब्रिटी सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजता हूँ, शोज करता रहता हूँ, प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ। 20 सीरियल प्रोड्यूस कर चुका हूँ जिसमें हर चैनल पे किए हुए। आपके पास के बारे में आपको एक्सपीरियंस आपको जो याद है आपकी? पहले करने में मज़ा आता था, एक पैशन था, अभी आजकल पैशन नहीं है, सब डब्बे भर है। तो अभी मैं ज़रा एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, 70 के हो गए, अभी खा पी के मस्त रहना है, कोई टेंशन लेनी नहीं। सर वो तो अलग था, आज का दौर कॉर्पोरेट दौर होता है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज के दौर का मजा नहीं आ रहा है सर, क्योंकि जब नहीं अपने पास करेंगे अपनी जब तुमने की है कि ब्रेक किया सबसे कहीं कहीं वो ब्रेक किया नाम। हाँ, हमने पहली सीरियल जो बनाई थी परिवर्तन जी टी वी पे थी, उसमें गोविंद नाम दीजिए को हमने ब्रेक दिया था, प्रशांत नारायणन को दिया था और बहुत सारे एक्टर थे जैसे रवि गोसाई, जहांगीर खान, दीपराज राणा, अश्विन कौशल। और डायरेक्टर में भी हमने शुरुआत जब की थी तो भरत रंगाचार्य फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर, उनकी एक साल के बाद डेथ हो गई थी तो विजय पांडे करके डायरेक्टर को ब्रेक दिया था। और बाकी तो राइटर्स बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ काम किया, भूषण बनवाली राइटर्स हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। मैंने दादा साहब फाल्के 17-18 साल से कर रहा हूँ जिसमें इंडस्ट्री के 90% लोग आके हैं, जिसमें दिलीप कुमार और बच्चन साहब एक प्लेटफॉर्म पे 32 साल के बाद आए, जहाँ जबकि बड़े बड़े इवेंट वाले कोई ला नहीं सके। वो इवेंट हमने जू के तुलिप स्टार में किया, उसी में अजय देवगन था, काजल थी, रोहित शेट्टी थे, एकता कपूर, पर इंडस्ट्री के सभी लोग थे, पंजाब से गुरदास मान थे। तो नाम से कई सारे अवार्ड हुए, आप क्या कहेंगे? सर बिक रहे, आप देखो किसी को भी जो अवार्ड बिक रहे हैं आज 2-2, 2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार में अवार्ड बिक रहे हैं। ये जो इंटीरियर के लोग हैं उनको पता नहीं है दादा साहब फाल्के, खाली नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये वही दादा साहब फाल्के है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप देखो इनके पास जो भी आया, कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई बड़ा एक्टर नहीं है, तो ये बस कमाने का उनका जरिया है कुछ। चाहिए ताकि नहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दादा साहब फाल्के कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी बना सकते हो, नाम पर कोई सर। आपकी फिल्म आई थी आमने सामने? हाँ, मैं तब 1973 में शक्ति सामंता के साथ काम करता था। तो एक और आमने सामने आपसे पहले एक फिल्म आई थी जितेंद्र की? नहीं, शशि कपूर। तो फिर आपने वही सेम? नहीं नहीं, वो फिल्म मेरी नहीं थी, शक्ति सामंता की थी और मैं उसमें लाइन प्रोड्यूसर था। शक्ति सामंता के साथ मैंने 10 पिक्चरें किए, पहले 10 साल तक फिल्म शक्तिरा के साथ ही किया ना, बरसात की एक रात किया अमिताभ बच्चन के साथ, की अयाश किया संजीव कुमार थे उसमें, फिर बहुत बहुत सारी मैं 10 फिल्में वहाँ पर पारे खान किया। और सर अभी के आप गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं सर? 1-1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहता। अब पुराने गाने लगा के बैठते हैं वो मज़ा आता है, सुबह उठते गाने पुराने लगा लो, आप जितनी बार चाहो सुन लो। और सर अभी आपने तो बहुत पुराने वो फिल्में की है और उसमें इतनी ज़्यादा अश्लीलता और नग्नता नहीं दिखाई जाती, नहीं जो फैमिली ड्रामा होती है, लेकिन आजकल की फिल्में में कहीं कहीं तो गड़बड़ होती है, वल्गैरिटी है, आने वाली पीढ़ी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा? बहुत खराब राय क्या है, खराब असर पड़ता है, तो ये होना चाहिए कर रहे हैं, सेंसर बैन कर रही है कुछ ना कुछ चैनल तो बैन किए उन्होंने जिस को इस तरह के शो आ रहे थे, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। सर आप कहेंगे? सर आप सर ये हैदराबाद से, उनका नाम सुरेश कुमार है, ये बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और वहाँ फिल्मों में काफ़ी फंडिंग की है, पीछे से करते हैं ज़्यादा, मेन इनका बिजनेस
बताएंगे। इनके फादर भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, दोनों के बिगेस्ट बहुत रेस्पेक्ट। बीजेपी सरकार काम कर नहीं, हम तो बचपन से आते हैं, 60 इयर्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स। क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे सर को? क्या शुभकामनाएं देंगे सर को? बस बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने आए, 100 साल जीने का ना कर। फिट रहे बहुत है, फिट रहे सब बचपन के फ्रेंड्स है। एक भाई के अंदर से बचपन से आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट ये बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी वो जमाने में किए थे, अभी तो सर आप कहेंगे सर आप बताएं अपने बारे में। अरे नहीं, ये मैंने इवेंट जो शुरू किया था 40 साल से ज़्यादा हो गया, तो पहला इवेंट मैंने इनके यहाँ हॉलैंड में किया था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई इवेंट से। इवेंट तभी ऑर्गेनाइज करते थे, अभी इनकी वहाँ पे बहुत बड़ी अकाउंटेंसी फॉर्म है, बहुत बड़े लेवल के हैं, और यारों के यार आप वहाँ जाओगे तो आपको गोदी में लेके घूमते हैं, आपको जीना आराम करते हैं। हम भी बचपन 40 साल से दोस्त हैं, ये भी डैडी होते हुए हर बर्थडे पे उनके आते थे, अब वो नहीं है तो इस बार उन्होंने बोला नहीं है। क्या कुछ यादें कुछ अगर शेयर करना चाहे, एक अच्छा आज मौका है और मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत प्राउड हूँ। मेरे फादर थे, मैं उनका बेटा, उन्होंने जो हमेशा कहा है कि जो शो मस्ट गो ऑन वो हमने किया, और उन्होंने वर्करों की हमेशा सेवा की, फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, तो आज मैं भी जितना हो सकता है अपने से एसोसिएशन में जुड़ा हुआ हूँ, करके कुछ ना कुछ करता हूँ। हमने उनके होते हुए किया था, शायद सिने आर्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी गया था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसको काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था तो नहीं हुआ, बट वैसे भी उनको बहुत सम्मान मिला है। हैदराबाद से थे तो हैदराबाद में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ऑनर किया था, बहुत चीफ मिनिस्टर फ्रेंडली रहे थे। हैदराबाद के कितने चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ इधर आके इधर यहीं पे बैठते थे, फ्रेंडली रहते थे। आप लोग ग्राहक से बिलोंग करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ही ऐसे ग्राहक उस वक्त 50s 60s 70s के दौर में जो फिल्में बनाया करते थे, प्रोड्यूस किया करते थे, तो आपके किस तरह से ताल्लुकात या रिश्ते हैं उन लोगों से, या कुछ पुराने चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें फिल्मों के जरिए, या फिल्मों के बारे में, दोस्तों के बारे में, या उस दौर के बारे में और आज के दौर के बारे में? सर, उस वक्त के जितने प्रोड्यूसर थे बहुत फ्रेंडली थे, आज सब इजीली मिलते थे, अप्रोचेबल थे, सुनते थे, बात करते थे, लेकिन आज आप किसी प्रोड्यूसर को फ़ोन करो आपका फ़ोन उठाएगा बनाया। हाँ, पहले रिस्पेक्ट थी बहुत, आप पुराने जितने भी देखो, मैंने शक्ति राग यहाँ काम किया तो मुझे पता है जो रिस्पेक्ट मिलती थी, अभी उसके बाद तो कोई पूछ नहीं। चाहते हैं लाइफ में नहीं सर, अभी बहुत कर लिया, अभी बस काफी के मस्त रहना है। नहीं सर, मैंने काफी 20 सीरियल प्रोड्यूस कर लिया, नाम काफी हो गए, एक भी इतने साल के अंदर कोई धब्बा नहीं है कहीं पे, कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी के साथ कुछ किया है, तो एक बहुत एडवांटेज है। आपको फादर ने हम लोग को ग्राउंड टू अर्थ रखा है, रिस्पेक्ट लोगों को करना, वो उनसे सीख। सर आप कुछ कहेंगे सर? आप क्या बोलेंगे? ना जरूर बोलेंगे, 100% बोलेंगे। मेरे 40-45 साल पुराने दोस्त हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह है,
मैं 45 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बिजनेस मैनेजर हूँ, मैंने उनके साथ 22-23 साल काम किया, मैंने सुधा चंद्रन का काम किया 22 साल, सतीश कौशिक के साथ 22 साल था मैं, हिमानी शिवपुरी का काम किया मैंने, किशोरी शाने, परछी शाने और भी आर्टिस्ट का काम किया और अभी भी काम करता, मेरी फैमिली 90 एज है और अभी भी मेरे दोस्ती इनकी 45 साल की 50 साल की है और रोज़ शाम को बैठ के हम सबरी में चाय भी पीते हैं, घूमते फिरते भी साथ में रहते हैं, हाँ डेली मिलते हैं हम लोग एक दिन बाद बैलेंस नहीं रहता, जब नहीं मिलते मुझे क्या क्या बात है यार, तू प्रॉब्लम है क्या भाई, क्यों नहीं मिले हमारे, तो ये सब प्रेस वालों की भी मेहरबानी जो हमको इतना ख्याल रखते हैं हमारा, आप लोग का बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में, अभी जमाना बहुत बदल गया, हमने बहुत टाइम अच्छा देखा पहले, अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, अभी सेक्रेटरीज रहे नहीं ना, सेक्रेटरी रहे नहीं, हम लोग एजेंसीज आ गए, तो अभी हम लोग तो पहले आज आप किसी एक्टर को अप्रोच कर ही नहीं सकते, अच्छा टाइम आ गया, पर हमारी इनकी दोस्ती बहुत भाइयों से बढ़ के है, डेली मिलते हैं हम लोग, मैंने सब इनकी क्या विश करोगे, इनको विश हमारे इनके बर्थडे हमेशा ऐसे मनाते रहे, हमेशा खुश रहे, आई प्रे टू गॉड की इनकी हेल्थ हमेशा हम बेटर है और हमेशा काम करते रहे, ये इनके खाली फोन से ही काम हो जाते हैं सर, इनसे कोई जानी जुटने की पड़ती, बड़े बड़े एक्टर के किसी से फोन से बात करते हैं, ये घर बैठे सब संभालते हैं, सीनियर एक्टर्स कोई भी लाने हो शो के लिए तो हर एक के साथ मेरे डायरेक्ट रिलेशन, किसी को डायरेक्ट फोन करे बात करें, ऐसी किसी की पर्सनालिटी नहीं जो अशोक चक्र की पर्सनालिटी है जो घर से बैठे काम करते हैं, कि यार लोगों के जल्दी फोन उठाते हैं, इनके फोन से 10 फोन वापस आते हैं, भाई क्यों फोन किया है, क्या काम है, बोलो मेरे लायक सेवा क्या है, तो ये बड़ी बात है सर, ये कमाया इन्होंने सर, डैडी का आशीर्वाद इनके ऊपर है और इनका इनका सर इनका बेटा विशाल शेखर इतना बड़ा एड का डायरेक्टर है सर, इनका बहुत बड़ा डायरेक्टर है, महीने में 85 शूटिंग करता है, अभी जितनी गाड़ियां चल रही है सब गाड़ी के एड उसके लगे सर, उसकी डेट की मारामारी होती है, डेट के लिए लोग लाइन में लगे कि कब डेट विशाल शेखर की डेट मिलेगी, उसके हिसाब से लोग मैनेज करते हैं कि कब काम करेंगे हम, तो ये सब कुदरत की देन है, भगवान की डैडी का आशीर्वाद हमारे पर, पंजाब नेशनल बैंक के कितने साल की सर्विस है, 42 ईयर्स मैंने बैंक में सर्विस किया, टॉप पोस्ट से रिटायर होने के बाद में मैंने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया 5 साल, फिर वो छोड़ने के बाद में मैंने सिंटा ज्वाइन किया, सिंटा में 7 साल मैं ऑफिस सेक्रेटरी था और काफ़ी लोगों से संबंध मतलब अच्छे हुए थे, और बाद में ये जो बिल्डिंग नई बनाई है तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन था, देखते थे हम लोग कैसे, ये अभी जो सिंटा की नई बिल्डिंग अभी जो नई बनी है तो ये हमारे साथ टाइम से ही बनी थी, और पैसा जितना भी इकट्ठा करना था या अपना फेडरेशन से या कहीं से भी तो वो करके वो किया था, तो मैं काफ़ी वो रहा था, और मेरा जो लड़का है शक्ति अरोरा वो टेलीविजन का बहुत बड़ा एक्टर है, टीवी आर्टिस्ट है और काफ़ी अच्छा उसमें काम कर रहा है, आजकल लीड में करता है, अभी उसने रिसेंटली गुम है किसी के प्यार में सीरियल में काम किया था, और आजकल उसने अपना एक साइड बिजनेस और भी स्टार्ट किया है पॉडकास्टिंग का, तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अपना स्टूडियो बनाया है मलाड में, तो वो भी अभी शुरू किया है, तो कल से उसकी बुकिंग चालू हो गई है, तो वो भी खुदा की मर्जी होगी तो बहुत अच्छा चलेगा, डैडी हो, मैं तो सुबह से विश कर रहा हूँ ऑलरेडी, आज फाइनली घर पे रहने मिला हो, सो नहीं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है काम, सो आई एम ग्लैड दैट आज हम घर पे ऐसा है, हाँ ऑफकोर्स पूरी फैमिली में ही है एंड इट हैज़ बीन फ्लोइंग स्टार्टिंग से ही, सो काम हम भी रोज ही काम पे जा रहे हैं, रोज शूटिंग कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ ट्रेंड जो मैंने अपनी पूरी फैमिली में देखा है, अपने ग्रैंड फादर से फादर में एंड आई ऑल्सो हैव द सेम ट्रेंड, सो एवरी डे रोज जाना कुछ क्रिएट करना अपने लिए एंड लुक एट इट कि हाँ मैंने ये बनाया है इज लाइक द मेन प्रेरणा,
हाँ जी राइट ऑफकोर्स यू कैन सी इट. मैं तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ, इतना बड़ा स्माइल लेके आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. मेरे सारे फ्रेंड्स को बताता हूँ, यू नो एवरी वन गेट्स एक्साइटेड. एंड जैसे हम सब यहाँ पार्टी के लिए आए हैं, मेरे भी फ्रेंड्स आते हैं और मैं सबको कहानियाँ सुनाता हूँ एंड आई एम लाइक सबको आके फोटोज दिखाऊंगा. एंड यू नो इट इज लाइक अ वेरी यूनिक पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई फील वेरी प्रिवलेज कि यू नो आई एम दिस पर्सन जिसको ये सब मिले. देखो मेन चीज तो ये है कि मैं सेट पे मैं खुद इस रीजन से यहाँ पे जा पाया हूँ क्योंकि पापा के सेट पे मैं स्पॉट बॉयज के गोद में बैठ के घुमा हूँ जब बचपन में मैं छोटा था. सो मेरे को हर सेट पे लेके ले जाते थे, हर सेट पे मेरे लिए बिस्किट्स के एक पैकेट आते थे और मुझे कंधे पे घुमाया जाता था और वही सब देख के आज मैं ये इंडस्ट्री में हूँ, यू नो. सो उसी वजह से मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप बना पा रहा हूँ, उसी वजह से मेरी अपने क्रू के साथ एक रिलेशनशिप है क्योंकि इवन ही हैड दैट सेम रिलेशनशिप. उनकी एक टीम थी, मुझे आज तक उनके एक एक स्पॉट बॉय का नाम तक याद है, शंकर, उनके प्रोडक्शन मैनेजर हरी, उनके जितने लोग थे, राइट, बिकॉज ही केप्ट इट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट द टॉप क्रू. कैमरा मैन वो सब ऑफकोर्स हम सबको याद रहते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे उनके छोटे से छोटा क्रू याद है. सो आई रिमेंबर दैट वैल्यू एंड आई मेक श्योर कि मेरे क्रू में भी जब मैं मिलता हूँ सो आई शेयर दैट लव विद एवरी डिपार्टमेंट. आई डोंट बिलीव इन अ ए क्रू एंड बी क्रू जो एक आपको हर सेट पे मिलेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज दैट काइंड ऑफ फ्लोज इन द फैमिली और वही सिखाया है. क्या हुआ है मैं तो एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट करता हूँ. सो कमर्शियल्स मोस्टली कार कमर्शियल्स करता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने परसों ही मेरी शूट खत्म हुई, दैट वॉज फॉर एन इंश्योरेंस एड सौरभ शुक्ला सर के साथ किया था एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट इन्हीं लोगों के साथ जब मैं बताता हूँ कि मेरे फादर कौन है, ग्रैंड फादर कौन है, मुझे एक सेट पे भी प्रिविलेज मिलता है, यू नो आई गेट दैट अटेंशन कि हाँ ये इन्होंने इनको पता है कुछ, ये एक फैमिली वैल्यू है, यू नो एक अटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली मेरे साथ, मेरी भाषा, मेरी लाइक हर चीज लोगों को पसंद आने लगती है. सो दैट इज यही सब काम चल रहा है. आई एक्चुअली मैं ना पैसे चेस करता हूँ ना मैं एक्टर को जाके शूट करना चेस करता हूँ. आई रियली लाइक कि मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाऊँ और मैं उसको देखूँ और लोगों को दिखाऊँ एंड लोग उसकी तारीफ करें. लाइक दैट इज माई ड्रीम कि मैं कॉन्स्टेंटली पूरी लाइफ कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहूँ फिल्म मेकिंग में. एंड चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग एड हो, चाहे वो एक लॉन्ग लेंथ फीचर फिल्म हो, बट आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट जो मैंने बनाया, चाहे वो 10 सेकंड का हो. प्रॉब्ली ये पार्टी की एक रील बनाऊंगा, वो भी मुझे देख के लोगों को दिखा के प्राउड फील होता है कि ये देखो ये देखने के लिए मैं ही दिखाया था उनको, तब जाहिर नेता वो भी साथ में थे, तो काफी जगह दिखा. उसके बाद पता लगा जो इन्होंने फिल्म सीरियल बनाया है टोनी स्कुराली के लिए, है ना, वेरी नाइस. फिर दोस्ती में तो चलते रहते हैं, लेकिन इनके जो है बहुत उसका डैडी तो रीजेंट आदमी. लेकिन मैं यहाँ आया शाम को सुबह इसे मिलने के लिए, तो बेटा क्या कर रहा है, बोले बस कर रहा हूँ पिक्चर थोड़ा सा कम. अच्छा, फट से फोन लगे इसकी कपूर को, जो कपूर साहब एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मेरा बेटे का दोस्त है, मैं भेज रहा हूँ. वो इसके कपूर के बाद जो भेजा गोरा पिक्चर राजेश खन्ना के साथ पद्म, उसके बाद सारे पिक्चर लास्ट तक देश के दुश्मन तक इसके बोले सारे पिक्चर नहीं की. सिर्फ अंकल ने एक बार बोल दिया था मेरा बेटे का दोस्त है बहुत अच्छा, नहीं वो दोस्त है और जिंदगी भर साथ में ही हम लोग मिलते रहता हूँ, फोन करते रहता हूँ, सब बिजी है ना, आपका भी बिजी है सबका. हमारा तो सोचा था फिल्म लाइन में कोई नहीं आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी फिल्म लाइन में है, वो भी वैक्स में है, रॉबर्ट वन टू उसने किया, प्राइम फोकस में, ब्रह्मास्त्र उसने किया, धनी कैम प्रॉट ये रामायण बॉम्बे में आया, लंडन ऑफिस में भी लिखता है, नाउ ही इज प्लानिंग फॉर समथिंग. तो ठीक है, क्रिएटिव फील्ड है, अच्छा लगता है. अभी भी अनिल शर्मा हम लोग सब मेरी खुश नसीबी है कि अशोक शेखर जी मेरे दोस्त हैं और इतने बढ़िया इंसान, इतने फराक दिल इंसान, और आज उनका 70 साल का जन्मदिन है, तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे और सालों साल हमारे साथ रहे. और अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो अशोक जी बहुत सालों से हम साथ में हैं, दादा फाल्के के अवार्ड फाल्के दिया, तो बहुत टाइम से हम साथ में थे, अलग अलग एकेडमी के टाइम से अवार्ड करते थे, फाउंडेशन के टाइम पर अवार्ड भी कर रहे, और ऐसे भी जनरल शेखर साहब के साथ मिलते थे, चंद्रशेखर जी को मिलते,
वो बड़े अच्छे इंसान हैं, एकदम हम्बल इंसान हैं और हमेशा हर चीज़ में हर लोगों के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं और एक बहुत बढ़िया दोस्त है। दोस्ती निभाने के लिए कोई इनसे सीखे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अशोक शेखर जी ऐसे इंसान है कि मैं जब भी दादा साहब फलके मुझे अवार्ड मिला, मिले उनकी नेचर, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं देखो वैसे आज जन्मदिन पर मैं भी चला आया, मैं क्या सर का जन्मदिन है तो सर मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत अच्छा लगा। भैया डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। आज हमारे अशोक शेखर जी का बर्थडे है और उनके बर्थडे पर मैं बधाई देता हूँ कि हमेशा ही ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर।